जिन्हें वेख्या नहीं वो करण गल्लां, जिन्हें वेख लिया वो बोलते नहीं। अच्छा, अबू जेल भी बड़ी बातें करता था। मक्का शरीफ में थे तो अबू जेल बड़ी बातें करता था और उसकी पार्टी बड़ी बातें करती थी। मदीना गए तो अब्दुल्ला बिन उबई बड़ी बातें करता था। सवाल है, अबू जेल ने भी तो हुजूर को देखा है, तो ये क्या फरमा रहे हैं, जिन्हें वेख्या नहीं वो करण गल्लां। उलमा लिखते हैं, हुजूर का जो हुस्न रिसालत है और हुजूर का हुसन बुग्ज़ रखने वालों पर आश्कार ही नहीं हुआ, वो हुजूर को देख ही नहीं सके, इसलिए तो कब्र में हुजूर के सामने लाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था, तो वो पहचान ही नहीं सकेगा, हाना के दुनिया में देख रहा था। और आज के दौर में जिसका हुजूर पर ईमान है वो हुजूर को पहचान जाएगा। तो पहचान मोहब्बत से होती है भाई। तो अल्लाह फरमा रहा है कि लोग जो हैं बातें करेंगे, सायकुलु सुफहाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, ये जो क़िबला फेर दिया मुसलमानों का जिस पर वो पहले थे उसको फेरा गया, तो इस पर लोग बातें बनाएंगे। ए हबीब कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, ए हबीब आप इनको फरमाएं, मशरिक हो या मगरिब हो, सिमतें तो अल्लाह की हैं। यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, हम हदायत देते हैं, मन यशा जो हदायत को चाहता है, इला सिरातिल मुस्तकीम, किस तरफ की हदायत देते हैं, सिरात मुस्तकीम की। ये सिरात मुस्तकीम कौन है? अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने कुरान में फरमाया है, शैतान ने जब कहा था ना कि मैं सबको गुमराह करूँ, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे चुने हुए बंदों को कुछ नहीं कह सकूंगा, खुद इकरार कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ये मेरे चुने हुए बंदे मुश्तक आने का सीधा रास्ता है। ठीक है, तो हम सिरात मुस्तकीम तक पहुंचा देते हैं जो हदायत को चाहता है, हम अल्लाह वालों तक उसको पहुंचा देते हैं। हफ्तावार लेक्चर में शिरकत के लिए अपने करीबी बुरहानिया के सेंटर में तशरीफ लाएं।